हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी नितेश में। दोस्तों, आज मैं गवर्नमेंट पे बहुत गुस्सा हूं, क्योंकि दोस्तों चाहे वो बिहार गवर्नमेंट हो या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्या हो रहा है। एनटीपीसी एग्जाम 2019 में फॉर्म फिलअप हुआ, एग्जाम 2020 के लास्ट में हुआ, रिजल्ट का कुछ था पता नहीं। सीबीटी फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट का कुछ भी था पता नहीं। स्टूडेंट बेरोजगार है। दूसरी बात, ग्रुप डी 2019 में फॉर्म फिलअप हुआ, एग्जाम का कोई था पता नहीं। बिहार एसएससी 2014 में भर्ती में निकाला, अभी तक किसी का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। बिहार बेल्टॉन 2019 में वैकेंसी निकाली, एग्जाम नवंबर दिसंबर 2019 मिल ली, टाइपिंग एग्जाम 2020 फरवरी मिल ली, 2020 के फरवरी मिली, केवाईसी करवाते करवाते जुलाई अगस्त सितंबर 2020 पूरा समय बीत गया, बर्बाद कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं रिक्यूजिशन के नाम पे हमारा 2021 पूरा खा गया। आखिर हम कब तक एग्जाम पास करके बेरोजगार बैठे रहे। दोस्तों, गवर्नमेंट कर क्या रही है। गवर्नमेंट का चुनाव तो कभी रुकता नहीं। पांचवी पास लोग खड़े होकर कोई राज्य का उप मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई पांचवी पास व्यक्ति मुखिया में खड़ा होकर मुखिया बन जाता है। एक डीओ बनने के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए 12th पास होना चाहिए, एडीसीए का 1 ईयर का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में 30 हिंदी में 25 होना चाहिए, केवाईसी होना चाहिए, मगर जॉब के लिए फिर भी वेटिंग 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 और इंतजार। वाह, क्या सिस्टम है बिहार गवर्नमेंट का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, सरकार का इलेक्शन खत्म होने के बाद सभी नेता शपथ ग्रहण करके नेतागिरी करते हैं, और स्टूडेंट एग्जाम पास करके यूं ही बेरोजगार बैठे रहते हैं। मोदी जी और नीतीश जी, कुछ तो रहम करो। अगर सीट नहीं थी, रिक्विजिशन नहीं थी, तो वैकेंसी क्यों निकाली। स्टूडेंट का पैसा और समय क्यों बर्बाद किया। स्टूडेंट कर रहे हैं हंगामा करो, दंगा करो, आंदोलन करो। क्या हमने परीक्षा जो पास की इसी सब करने के लिए किया क्या। हमने जो परीक्षा एग्जाम पास की हंगामा करने के लिए, आंदोलन करने के लिए। क्या हमने फॉर्म भरा था आंदोलन करने के लिए। हमने फीस दी थी 1050 रुपया और वैकेंसी फॉर्म फिलअप भरा था हंगामा करने के लिए क्या। पहले तो हमें बेल्टॉन में यह नहीं बताया गया कि हम जॉब 3 साल के बाद देंगे या 2 साल के बाद देंगे। सरकार से मेरी यही आग्रह है कि सर अपना सिस्टम चेंज कीजिए। ये सिस्टम रहेगा तो स्टूडेंट इस देश में बुरी हालात पे आ जाएंगे और यूं ही आंदोलन, दंगा, बेरोजगार होते रहेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं गवर्नमेंट से, क्या गवर्नमेंट हम लोग अगर दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, आंदोलन करते हैं तो ये आपको अच्छा लगता है क्या, सो बताइए। हम लोग पढ़ लिख के यही काम करें, आंदोलन करें, दंगा करें, फसाद करें, क्या हम लोग के पास दूसरा कोई टाइम नहीं है क्या। आगे की अपनी लाइफ और फ्यूचर सुधारने के लिए दूसरा कोई काम नहीं है क्या। आए दिन हंगामा करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, क्या आपको हमारी बात समझ में नहीं आती क्या। आप लोग कुर्सी में बैठे हो, आपके समय इतनी कीमती है कि हम लोग से 2 मिनट बात नहीं करते हो, क्या हमारे समय कीमती नहीं है क्या। हम लोग ऐसे मूर्ख आदमी है, हम लोग भी तो पढ़े लिखे हैं, उसके बाद एग्जाम पास किए हुए हैं, टाइपिंग पास किए हुए हैं, तब तो अपना हक मांग रहे हैं। वैसे तो नहीं हक मांग रहे हैं अपना। सर अपना सिस्टम चेंज कीजिए और जितने भी स्टूडेंट है उस सबको जॉब दीजिए। जो वैकेंसी का फॉर्म फिलअप भरा है, कम से कम उसको एग्जाम लीजिए, एग्जाम कंडक्ट करवा करके उस सबका ज्वाइनिंग दीजिए जल्द से जल्द, नहीं तो स्टूडेंट भूखा मर जाएगा इस इंडिया में। और हमने आपको वोट दिया, कुछ अपने ऊपर जिज्ञासा रखे कि आगे कुछ कीजिएगा आप। ऐसे ही नहीं हमने आपको चुन लिया, हमने आपको चुना विकास करने के लिए। विकास तो कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा स्टूडेंट पे भी ध्यान दीजिए। इलेक्शन होते रहता है, प्रचार चुनाव आते रहेंगे, इलेक्शन होते रहेंगे, नेता बनते रहेंगे, स्टूडेंट कब अपना रोजगार करेगा जॉब लेकर के। थोड़ा ध्यान दीजिए सर, ध्यान दीजिए थोड़ा। दोस्तों, स्वागत। जय हिंद, जय भारत।